हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स में। एंड अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से 2000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन से बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि पिछले 2-3 सालों में किस प्रकार से बैंक नोट जो हैं 2000 के खासकर वो कर जो सर्कुलेशन है इसको चैन पद्धति कहा जाता है कि जो मार्केट में पैसा घूमता रहता है उससे किस प्रकार से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 2020 में संसद में वित्त मंत्री ने बताया था कि जो 2000 के नोट हैं वो बिल्कुल से छपने बंद हो गए थे उस समय, ठीक है। तो अभी क्या स्थिति है अभी ये नहीं पता कि बन रहे हैं या नहीं, लेकिन जो सर्कुलेशन से हैं वो लगातार बाहर जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि नंबर और वैल्यू पर आप ध्यान रखिएगा कि नंबर हो गया कि 1, 2, 3 नोट, ठीक है। जबकि इन नोटों की कीमत अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2000 के नोट हैं 3, तो वैल्यू मिला के हो गया 6000, ठीक है, और ये नोट हो गए 3। तो अभी की स्थिति 2020 से देखेंगे, ठीक है। तो 2020 में क्या था कि 2000 के जो नोट थे वो टोटल सर्कुलेशन में 274 करोड़ नोट थे, ओके। 2021 में क्या हुआ, 245 करोड़ हो गए घट के। उसके बाद 2022 जो मार्च का महीना था उस समय घट के ये हो गए 214 करोड़ नोट, ठीक है, और इनकी कीमत में भी लगातार से कमी आई, ठीक है। तो 2.4% से 1.6 पे रह गए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू में अगर देखा जाए कि इनकी वैल्यू कीमत कितनी थी तो उसमें भी लगातार से कमी आई, ठीक है। 2020 में 22.6% था टोटल ओवरऑल वैल्यू का, ठीक है, यानी कि 1 रुपये के 2 रुपये के जितने भी नोट होते हैं अगर सबकी कीमत जोड़ के रखा जाए तो उसकी वैल्यू का ये 22.6% अकेले था 2020 में। मार्च 2021 में घट के 17% हो गया और मार्च 2022 में ये घटकर 13.8% हो गया, ठीक है। देखिए, इसको हटाने का मेन कारण यही है कि जो भी नकली नोट हैं सबसे ज़्यादा इसमें 2000 के ही नोट नकली हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी नकली नोट चलाने वाला क्या कोशिश करता है कि बड़े से बड़े नोट छापा जाए, और अगर वो नोट मार्केट में चल जाता है तो सीधा उसको 2000 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। अब सोचिए कि 10 रुपये की नोट बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर 10 रुपये का नोट सर्कुलेशन में चला जाता है तो बार बार ये चलाने से उसको सिर्फ 10 रुपये का फ़ायदा होगा, उसको 200 बार ट्राई करना होगा। लेकिन 2000 का नोट अगर एक बार में भी चल जाता है तो सीधा उसको 2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, ओके। तो इसी प्रकार से इसको यूज किया जाता है। फिलहाल जो कीमत है वो घटके हो गई है इसकी पिछले एक साल में 12,437 करोड़ रुपये, ठीक है, टोटल ओवरऑल कीमत, और इसके पहले ये था 13,053 करोड़। अब इसका कंपेयर कर सकते हैं हम 500 के नोट से, क्योंकि प्रतिस्थापित किया जा रहा है इसको 500 के नोट से ही, ओके। तो पिछले एक साल में देखिए जो 500 के नोट हैं उनकी कीमत टोटल बढ़ के हो गई, जो उनकी संख्या है, ठीक है, कीमत नहीं, इनकी संख्या जो है बढ़ के हो गई है 4,554.68 करोड़। इतने करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन में है, ठीक है, और ये एक साल पहले 3,867 करोड़ मात्र था। अब अगर इनकी वैल्यू देखा जाए, ठीक है, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू में इनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो 34.9% यानी लगभग 35% जो वैल्यू है कीमत है वो 500 के नोटों का है। उसके बाद नंबर आता है 10 रुपये के नोटों का, जिनकी ओवरऑल कीमत है 21.3%। अब इसी में तीसरे नंबर पर आ सकता है 2000 के नोटों, बाकी नोटों का डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखेंगे तो हम पता चलेगा कि यही हो सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 500 के जो नोट हैं वो टोटल 31% थे मार्च 2031 में, ठीक है, और मार्च 2020 की स्थिति देखें तो 25.4%, यानी कि लगातार 3 वर्षों में इसमें वृद्धि देखी गई है, ओके। एंड उसके अलावा कहा जा रहा है कि देखिए द वैल्यूम ऑफ द दीज नोट्स रोज 60 से बढ़ के 73% हो गए हैं 2 सालों के अंदर, ओके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, बताया जा रहा है टोटल करेंसी के बारे में, ओवरऑल जो इतनी करेंसी फिलहाल देश में है, तो फिलहाल जो टोटल करेंसी अगर उनकी वैल्यू देखी जाए कीमत तो 31 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले एक साल पहले मात्र 28 लाख थी, ओके, यानी कि 3 लाख करोड़ के लगभग वृद्धि देखी गई यहाँ पे।
अब अगर 500 और 2000 के नोटों को मिला के देखा जाए तो 87.1% टोटल वैल्यू यानी कीमत के नोट यही दोनों मिला के हैं। ओके, एंड इसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि 85.7% थे ये एक साल पहले, यानी कि इनमें भी 2% लगभग वृद्धि हुई है पिछले एक साल में, और लगातार 500 के नोट मार्केट में डाले जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया पिछले एक साल में ये 10% नोट डाले गए थे, उसके अलावा उसके एक साल पहले करीब 16% 17% नोट 500 के लाए गए थे। अभी फिलहाल जो करेंसी इन सर्कुलेशन में है वो आरबीआई के माध्यम जो कर रही है वो उसने बताया कि फिलहाल हम ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और ये 2000 तक के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन में रखा हुआ है, और कॉइन्स जो सर्कुलेशन में हैं आरबीआई के माध्यम से उसमें 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के कॉइन्स हैं। ठीक है, तो 1 रुपये का जो नोट होता है वो आरबीआई नहीं जारी करती, आपको पता होगा। ओके, तो ये था 2000 रुपये की नोट कहाँ जा रहे हैं। आजकल लोग खोजते रहते हैं कि एटीएम में भी नहीं मिल रहा, बैंक में भी 2000 के नोट नहीं मिल रहे, कहाँ जा रहे हैं। तो ये उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। ओके, थैंक यू।